अल्लाम दोस्तों कैसे हो आप सब मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे आ, ना किस्त शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहती तो हूँ मैंने कुछ कमेंट पढ़े लिखा हुआ था हमें बहुत अफसोस हुआ अरीजा आपने हमें रिप्लाई नहीं किया फ़ेसबुक के पेज पर या पता नहीं इंस्टाग्राम पर मैसेज किया तो सबसे पहले आज चक तो मैंने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं मतलब तो देखूँ भी मैं सिर्फ सुबह सुबह अपलोड करती हूँ और फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ मेरी वापसी जो है ना वो दो बजे के बाद होती है उसके बाद फिर वापस आके मैंने यूनिवर्सिटी वाला भी पढ़ना होता है असाइनमेंट्स कम्प्लीट करनी पड़ती हैं सर जो वर्क देते हैं वो भी करना पड़ता है उसके बाद फिर मैं बैठ के एपिसोड लिखती हूँ तो इसी सब में टाइम गुजर जाता है और कसम से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता कि मैं देखूँ ज़रा सा एक वो मेरा जो ग्रुप है ना वो मैंने पूरा का पूरा फायज़ा राजपूत सिद्रा पे आ, ये जो कुछ हीरा और ये कुछ मेरे आ, आर्मी के लोग हैं इन इन पे छोड़ा हुआ है पूरा का पूरा ग्रुप उन पे है वो किस तरह से हैंडल कर रही हैं उन्हीं को पता है मैं जाती भी नहीं हूँ ग्रुप में कभी कभी जो टैग्स आते हैं वो मैं देख के खुश हो जाती हूँ कि माशाल्लाह मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे ग्रुप को इतना एक्टिव उन लोगों ने रखा हुआ है और बस यही मतलब ये जो कुछ रूटीन कुछ दिनों से चल रही है ना बहुत ही टफ़ हो गई है तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता वरना आपको पता है पहले मैं आप सबको रिप्लाई करती थी सबको जवाब देने की कोशिश करती थी अभी ये जो थोड़ा सा स्ट्रेस का पीरियड गुजर रहा है ना ये ख़त्म हो जाए फिर से मैं एक्टिव हो जाऊँगी लेकिन ये जो थोड़ा टाइम है ना इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें आजकल हम पे वो प्रेशर ज़्यादा हो गया है थोड़ा अपने काम के हवाले से पढ़ाई के हवाले से तो वो थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं फिर से एक्टिव हो जाऊंगी तो आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना आप खुद सोचो यार इतने सारे मैसेजेस होते हर कोई दूसरा तीसरा बंदा मुझसे नाराज हुआ बैठा है तो मैं मनाऊंगी सब को एक ही बार मनाऊंगी उसके लिए आप थोड़ा सा आ, अपनी राइटर को टाइम दें तो ना अलहमदुल्ल पहले कभी गुरूर आया है ना आगे कभी गुरूर आएगा आप लोगों के प्यार से ही बनी हूँ आप लोगों ने पहुँचाया है यहाँ तक तो थोड़ा सा अपनी राइटर के लिए अपने दिल में गुंजाइश निकालें तो जिन लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं दिया उनको माजरत और इनशाला सबको रिप्लाई मिलेगा बस थोड़ा सा वेट करें तो बाक़ी थैंक यू सो मच मेरे ग्रुप की आर्मी लव यू और ऐसे ही अपने राइटर का साथ देते रहो तो आज हम अच्छा आज, 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 आज हम आइए आज के बजाय आज मैं फिर क्या हो रहा है मुझे यार के बजाय येरा लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ और आज के बजाय आज यूज़ कर रही हूँ तो अपनी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हूँ जो तो कि बहुत ही आप लोगों को समझ में आ जाती है तो शुरू करती आज की एपिसोड विदाउट वेस्टिंग टाइम तो लेट्स स्टार्ट जुनूनियत किस्त नंबर पचास तहरीर अरीद शाह इसे यहाँ कैद हुए तकरीबन दो से तीन घंटे हो चुके थे जब इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई है। एक पल के लिए खौफ़ इसके पूरे जिसम में सनसनी सी दौड़ा गया लेकिन वो हिम्मत हार कर बैठ जाने वालों में से नहीं थी बल्कि मुकाबला करने वालों में से थी वो फौरन ही उठकर सामने टेबल पर पर अपने हाथ में मज़बूती से थाम चुकी थी और फिर दरवाजे के पास गई दरवाज़ा खोल कर अंदर आने वाला कोई भी शख़्स इसके हाथ में मौजूद इस वास्त का शिकार होने वाला था और इसे इस बात का हरगिज़ कोई अफसोस नहीं था वो जो कोई भी था इसी चीज़ को डिज़र्व करता था इसने दरवाज़े के हैंडल को घूमते हुए देखा और फिर अचानक दरवाज़ा खुला और इसके साथ ही इसने अपना हाथ जोरदार तरीके से घुमाते हुए इसके मुंह पर मारना ही चाहा था के सामने वाले ने इसका हाथ मजबूती से कैद कर लिया मजबूती से कैद कर लिया लेकिन फिर भी इसने हिम्मत ना हारी बल्कि अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए इसे धक्का देने लगी सामने खड़ा मजबूत शख्स भी इसके धक्का देने की वजह से ज़रा सा लड़खड़ाया था या फिर शायद इसने अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ही ढीला छोड़ रखा था रिलैक्स घुरिया रिलैक्स मेरी बात तो सुनो यार तुम तो जान ही निकाल दोगी वो इसके दोनों बाज़ू पकड़े इसे लड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो इसकी सुन ही कहाँ रही थी वो तो बस इसका कचूमर निकालने की मुकम्मल तैयारियों में लगी हुई थी कौन हो तुम मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की जानते नहीं हो तुम अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी नानी ना याद करा दी तो मेरा नाम भी रिदम वो पूरी भरपूर लड़ने लड़ते हुए बोली जब अचानक ही सामने वाले ने अपना हाथ इसके बाजू पर तंग कर दिए इससे हिलना तक मुश्किल हो गया ऐसा लगा जैसे हाथों की नसें इसके मजबूत हाथ में कैद होकर रह गई हूँ वो हिल भी नहीं पा रही थी रिदम सागर काजमी नहीं इसने दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए इसका फिक्रा मुकम्मल करने की कोशिश की थी जबकि इसके चेहरे की हैरानगी देखकर इसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट की दिलकशी में अजाफा हुआ था जबकि वो हॉन्ग की तरह इसका चेहरा देख रही थी ये किसका नाम जोरा था वो जो रहा था वो इसके नाम के साथ क्या बोल रहा था ये सामने खरा पुरकश आदमी अगर ये अगर हम आराम से बैठकर बात करें तो मेरा ख्याल है तुम्हारी आंखों में मौजूद हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें आसानी से दे सकूंगा। वो इसके हाथों को छोड़ते हुए बोला तो वो ज़रा सा पीछे हट गई जबकि वो पुरसकून सा बेड की तरफ़ कदम बढ़ाता आराम से इस पर बैठ गया था पहले अपना नाम बताओ वो बाजि नाम तो मेरा खुदा खुदाज़मी है लेकिन तुम मुझे भैया भाई, भाई या हरम की तरह वीरू भी कह सकती हो वो अब भी मुस्कुरा रहा था हमारे गांव में घर से भागने वाली लड़की की एक ही सज़ा है कि इसे और इसे घुमराह करने वाले को सजाए मौत दे दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती करने के बारे में ना सोचे माजद हुसैन हकमिया अंदाज में बोल रहे थे साहब मुझ पर जुल्म ना करें ये जुल्म ना करें शाह साहब मैं मर जाऊंगी हमने निकाह किया है शाह साहब हमने निकाह किया है हम पाकिसा बंधन में बंधे हुए हैं हम इस निकाह को नहीं मानते जो तुमने घर से भागकर अपने वालद की मौजूदगी के बिना किया है वो घुराए थे ये जुल्म है शाह साहब हमें बख्श थे हमसे गलती हो गई वो लड़की चिल्ला रही थी जबकि वहाँ मौजूद कोई भी शख़्स इस पर रहम नहीं कर रहा था यह प्यार मोहब्बत चाहत यहाँ के लोगों के असूल नहीं थे यहां पर तो सिर्फ दहशत थी अफशीन जालीदार पर्दे के पीछे खड़ी इस लड़की की आहो पुकार सुन रही थी जबकि इसका दिल खौफ से कांप रहा था क्या इतना बेरहम था यह माशरा कि निकाह के बंधन में बंधे दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर रहा था उस लड़की के वालदेन इसे माफ़ करके अपने शोहर के साथ वापस आने का पैगाम दे चुके थे इन लोगों को अपनी बेटी वापस चाहिए थी लेकिन लड़की के चाचा ताया ने इस बात को जरगे में पहुंचा दिया और अब इस बात का फ़ैसला माजद शाह के हाथों में था और कुर्बान काजमी इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े थे क्योंकि जिस लड़के के साथ ये लड़की घर से भागी थी वो इनका ड्राइवर था और वैसे भी माजिद हुसैन के ख़िलाफ जाने को वो हमेशा तैयार रहते थे ये अलग बात थी कि जरगे के फैसले मनाना इनकी मानना इनकी मजबूरी थी ये लड़की हमारे असूलों के खिलाफ गई है और हमारे असूलों के खिलाफ जाने वाले का वही अंजाम होगा जो अब तक होता आया है घर से भागने वाली लड़की का बस एक ही अंजाम है कि इसे कारी कर दिया जाए और हम इसे कारी करते हैं फैसला हो चुका था और फैसला होते ही वहाँ मौजूद हज़ार लोगों के हाथों में पकड़े पत्थर इस पर बरसने शुरू कर दिए अफशीन को इस लड़की की चीहों की आवाज़ वाजिया सुनाई दे रही थी और फिर अपनी मोहब्बत का अंजाम भी इसके सामने था यहाँ पर कोई नहीं था जो इस पर रहम खाता इसके आंसुओं को देखता इसकी तकलीफ़ देखता इसका बहता हुआ ख़ून देखता अगर किसी को नजर आ रहा था तो सिर्फ़ और सिर्फ़ साहब का हुक्म जो कि वो जो कि सुना दिया गया था यह लड़की मोहब्बत की सज़ा काट रही थी इससे पहले इसके महबूब शोहर को आग लगाकर कत्ल कर दिया गया था और ये वो लोग थे जिनकी लाश को दफनाना तक ये लोग अपनी तोहन समझते थे और ये वो लोग हैं जिनके असूलों के खिलाफ जाने वालों को मुसलमान नहीं कहते इन पर कब्रें हराम कर देते हैं और इस मासूम सी लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने अपनी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश की थी इसने अपनी मोहब्बत के लिए एक कदम उठाया था और ये इसका आखिरी कदम साबित हुआ था क्या ऐसा ही अनजाम अफशीन और सागर की मोहब्बत का होने वाला था इसका दिल लड़ज रहा था वो अगले ही लम्हे वहां से भाग गई वहां मौजूद औरतों ने हैरत से इसे जाते देखा था लेकिन इसके आंसू सिवाय इसकी मां के और कोई नहीं देख पाया और इन आंसुओं की वजह भी इसकी माँ के अलावा और कोई नहीं समझ सकता था बाबा जान अब तक रिदम का कोई अतापता नहीं है पता नहीं ये लड़की किस तरफ निकल गई है मेरा मतलब है ड्राइवर इसे किस तरफ ले गया है फैसल साहब इनके पास आते हुए कहने लगे जब से ये पता चला था कि इनकी महरूमा बहन की बेटी जिंदा है वो तो जैसे सदमे में चले गए थे इन्हें इस बात की कोई खुशी नहीं थी ये तो इनके चेहरे से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था जरियाम और शायज़म गए हुए हैं पता करने के लिए यकीनन अच्छी खबर लेके आएंगे आएँगे वो सोफ़े पर बैठते हुए बोले थे जबकि बाकी तो किसी को इसकी परवाह ही नहीं थी चाची और ताई अपने अपने कमरों में जा चुकी थी जबकि बड़ी बड़ी बहू को अपनी मेडिसिन लेने के बाद आराम कर रही थी वलीमे पर जन्नत भी आई थी लेकिन सुबह सवेरे हानि को स्कूल जाना था कल इसका पेपर था तो जाना बहुत ज़रूरी हो गया था इसीलिए वो वापसी का सफ़र शुरू कर चुकी थी जबकि जरियाम के दूसरे निकाह की तो इसे भनक भी ना लगी थी जाने से पहले अमाया के कान में जरियाआम सरगोशी करके गया था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक सोने की गलती हरगिज़ मत करना इसके हुक्म के बग़ैर सोने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी इसीलिए कमरे में ही बैठ कर इसका इंतज़ार में एक एक पल क... गिन रही थी घर में इतनी बड़ी बुरी सिचुएशन थी और इसे इसी तरह सरापा हुसन बने अपने इंतज़ार में बिठा कर गया था और अभी तक इसकी वापसी के कहीं कोई अमकान नहीं थे दादा जान भी परेशान थे इनकी परेशानी में ना चाहते हुए भी इनके बेटे फैसल और वाजिद साहब इनके साथ बैठे हुए थे नहीं सागर इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं है मुझे अपना कल अपनी आँखों के सामने नज़र आ रहा है क्या आप नहीं जानते कि कल जग जरगे में क्या हुआ इस लड़की को इसके शौहर के साथ कत्ल कर दिया गया यह इनाम मिला है इसे इसकी सच्ची मोहब्बत का इन दोनों ने निकाह किया था एक दूसरे से पाकिज़ा रिश्ता कायम किया था इनके वालदेन माँ बाप ने इसे माफ़ कर दिया था लेकिन इस गांव के सख्त कानून ने इन्हें माफ़ ना किया हमें भी माफ़ नहीं किया जाएगा हमारा भी वही अंजाम होगा बेहतर है कि जुदाई की बात भी मत करना अफ़शीन, वरना मौत से पहले मौत आएगी वो इसके कुछ बोलने से पहले ही बोल उठा था तो आप क्या चाहते हैं बताएं मुझे इस तरह का कोई इस चीज़ का कोई हल नहीं है हम हमारे माँ बाप हमारी शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे और हमारा भी वही अंजाम होगा जो कल जरगे में इस लड़की का हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तुम्हें कारी कर दिया जाएगा या मुझे आग लगाकर कत्ल कर दिया जाएगा लेकिन हम अपनी मोहब्बत तो निभा पाएंगे ना क्या तुम मेरी मोहब्बत में मर नहीं सकती वो इसकी आंखों में आंखें डालकर, जैसे इसकी मोहब्बत का इम्तहान लेने पर आया था आपके साथ जीना चाहती हूँ अगर मेरे नसीब में आपके साथ मरना लिखा है तो मैं मरने को भी तैयार हूँ लेकिन अपने वालदे की नाफ़रमानी कैसे करूँ बेशक मोहब्बत में हर हद से गुजर जाना ही मोहब्बत कहलाता है लेकिन मुझे आज तक मेरे वालदे ने जो मोहब्बत दी है वो भी मोहब्बत ही है ना मैं इस मोहब्बत को ठुकरा कर इस मोहब्बत के साथ कैसे आऊँ वो फूट फूट कर रोते हुए बोली मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकता अफशीन अब फैसला तुम्हें करना है कि तुमने क्या करना है मैं तुम्हारे एक इशारे का मंतज़र हूँ जिस दिन कहोगी मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा मुमकिन है कि हम कभी इन लोगों को मिले ही नहीं और मुमकिन है कि दस बीस साल के बाद हम अपने बच्चों के पास अपने अपनों के पास वापस लौट कर आएँ तो इनके दिल नरम पड़ जाएँ इनके दिल नर्म पर जाएँ मुमकिन है कि आगे जा ये दकियानूसी रस्म व रवाज ख़त्म हो जाएं उम्मीद पर दुनिया कायम है क्या तुम एक उम्मीद के साथ मेरे साथ नहीं आ सकती इसके हज़ार रू दलाइल पर इसने बस एक सवाल किया था जिसका जवाब वो नहीं दे पा रही थी वो इसके साथ इसके घर में कदम रख चुकी थी वो इसके कहने पर यहाँ इसके साथ क्यों आ गई थी वो नहीं जानती थी लेकिन वो इस घर में कभी भी कदम नहीं रखना चाहती थी लेकिन इसे बहुत कुछ जानना था बहुत कुछ समझना था इसने कहा था कि ये तुम्हारा घर है वो नहीं जहाँ तुम्हें लेकर जाया जा रहा था इसलिए बेहतर है कि तुम वहाँ रहो जहाँ तुम्हारा हक है वो कहाँ से कहाँ आ गई थी यहाँ आते हुए इसके दिल में कोई एक पल के लिए भी खुशगवार एहसास ना आया अपने माँ बाप के कातलों के लिए इसके दिल में भला कौन सी गुंजाइश निकलती आ, इसे पता चल चुका था कि नाना जान जिन दुश्मनों की बात करते थे ये वही दुश्मन लोग थे जिनके घर में वो इस वक्त कदम रख चुकी थी वो सिर्फ छः बरस की थी लेकिन वो भूली कुछ भी नहीं थी अपने माँ बाप के कातलों के चेहरे तो इसे आज भी हर रात ख्वाब में सताते थे वो और अब वो हर चेहरा बेनकाब करने आई थी और यह है तुम्हारा घर तुम्हारा असल मकाम तुम इस घर की बेटी हो तुम काजमी ख़ानदान की बेटी हो वो इसका हाथ था इसे घर के बीचों बीच ले आया था जबकि इसकी आवाज़ सुनकर दादा जान बिना अपनी हालत की परवाह किए तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकले थे ख़ुदाश वो बस इतना ही कह सके दादा जान देखें ले आया हूँ मैं आपकी पोती को वो मुस्कुराते हुए इन्हें बता रहा था जबकि ये शाम अहमर काजमी की तरह सागर काजमी की निगाहों में भी अपने लिए बेपना नफरत देख कर इनके कदम वहीं रुक गए ये तुम क्या कह रही हो बेगम ऐसा मुमकिन नहीं है मेरी बेटी कभी मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकती मेरी बेटी ऐसा सोच भी नहीं सकती तुमने इसके मुंह से ये कुछ सुना है कि मेरे किसके मुंह से ये सब सुना है कि मेरे सामने बकवास कर रही हो वो अपनी बेगम के सामने खड़े इन्हीं ही के खिलाफ हो गए थे अपनी बेटी के बारे में ये अल्फाज इन्हें हरगिज पसंद ना आए थे मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना शाह साहब बल्कि आपकी बेटी के अपने मुंह से सुना है मेन इसने ख़ुद मुझे बताया है कि वो क़ुरबान काजमी के बेटे से मोहब्बत कर बैठी है इतना ही नहीं बल्कि वो इसकी यूनिवर्सिटी में इसके साथ पढ़ता है और वो भी इस मोहब्बत का इतना ही दावेदार है जितनी के हमारी बेटी इसने हमारी बेटी को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है वो कहती है कि वो इसके लिए किसी भी हद को पार कर जाएगा और मुझसे ज़िद कर रही थी कि मैं ये बात आपके सामने करूं जबकि मैं इसे साफ़ अल्फाज में बता चुकी हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम्हारे बाबा ने तय कर रखा है इसलिए बेहतर है कि अपने दिमाग से ये सारी उल्टी सीधी सोचें निकाल दो लेकिन इस पर तो जैसे मोहब्बत का बूत सवार है इस लड़की ने लड़के ने हमारी बेटी का दिमाग ख़राब कर दिया है बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी कोई फैसला करें अम्मा अफशीन के सामने भी इस बात को साफ अल्फाज में कह चुकी थी कि जैसा वो चाहती है वैसा कुछ भी मुमकिन नहीं है लेकिन फिर भी वो इसके सामने इसके बाबा से बात ज़रूर करेंगी जिसका नतीजा वो पहले ही जानती हैं इसीलिए किसी तरह की अच्छे की उम्मीद ना लगा कर बैठे और वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था वो खुद भी काजमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के हक़ में नहीं थी इसीलिए अपने शोहर के कान में ये बात डालते हुए उन्हें एक मज़बूत मशवरा भी दे दिया था जो माजद साहब को काफ़ी पसंद भी आ रहा था तुम ठीक कहती हो बेगम मुझे जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालना पड़ेगा काजमी ख़ानदान के लोगों ने अब यह खुरबा आज़माया है मुझे नीचा दिखाने के लिए लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा मेरी बेटी वही करेगी जो मैं चाहता हूँ मैं जानता हूँ वो मेरे फैसले के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएगी मैं आज ही इसके रिश्ते की बात चलाता हूँ वैसे भी जरीना माजिद साहब की बहन काफ़ी बार इस बारे में बात कर चुकी है कि अब अफशीन बड़ी हो गई है तो इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा जाए मेरे ख्याल में अब इनको कोई माकूल जवाब दे देना चाहिए वो फ़ैसला करते हुए बोले कैसे हो माजदशाह अपने फ़ोन पर आने वाले कुर्बान काजमी के नाम को देखकर वो चाहकर भी नज़रअंदाज ना कर सके काम की बात करो क़ुरबान काजमी क्यों फ़ोन किया है तुमने मुझे वो बेहद खतरनाक तेवर लिए बोले हाँ सही कहते हो तुम्हारे तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है लेकिन अपने कीमती वक्त से मेरी ये बात सुन लो तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदा साबित होगी इनका लहजा मुस्कुराता हुआ था लेकिन इनका अंदाज सामने वाले को किसी अनहोनी का एहसास दिला गया था कहो क्या कहना चाहते हो तुम वो खुद को इनकी बात कहने को तैयार कर चुके थे हमारी पोती को बहुत सालों तुमने हमसे छुपा कर रखा लेकिन आज वो हमारे पास हमारी हवेली में बिल्कुल महफूज है तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है इसके अपने इसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रख लेंगे वो इन किस्मतों पर जैसे बम्प गिरा गए थे ये मुमकिन नहीं है तुम ऐसा नहीं कर सकते क़ुरबान काजमी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अगर मेरी नवासी को एक ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तो मैं तुम्हारी हवेली की ईंट से ईंट बजा दूँगा वो गुस्से से आपसे बाहर हो गए थे जबकि जरियाम और शाजिम वापस लौटे लेकिन दादा जान को इस कदर ग़ुस्से में देख वो इनके पास आ चुके थे और इनके गुस्से की वजह भी समझ चुके थे जबकि ग़ुस्से फ़ोन बंद करते हुए वो परेशानी से अपना सर पकड़ कर बैठ गए क्या हुआ दादा जान आप ठीक तो हैं ना सब ठीक तो है ना, तो ना? क्यों फोन किया था कुर्बान काजमी ने वो इनके पास बैठकर पूछने लगे ये बताने के लिए कि इसने हमारी नवासी को हमसे छीन लिया है हमेशा के लिए काजमी हवेली ले गए हैं वो हारे हुए लहजे में गोया हुए तो जरियाम ने ज़मीन पर निगाहें झुकाकर अपनी मुस्कुराहट को छुपा लिया इसकी मुस्कुराहट शाइजम से छुपी ना रह सकी लेकिन वो वजह पूछे बिना दादा जान को दिलासा देने लगा अगे okay, गाइस ये रही आप लोगों की एपिसोड नंबर पचास तो जो सीन स्टार्टिंग है बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड पे था वो आपको पता चल गया है कि कौन सा सीन था वो आज क्लियर हो गया इसी तरह बाकी के जो सीन थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे इसीलिए मैंने पास्ट और प्रेजेंट साथ साथ रखा है फिर आप लोग कहते हैं कि पास्ट बोर कर देता है इसीलिए साथ साथ रखा है और जहाँ तक खुदाश का आज़मी और बाकी सबके सीन्स आएंगे यार अभी नावल बहुत पर है थोड़ा सा सबर से काम लो आपको तो खुश होना चाहिए कि राइटर रोज़ एपिसोड देती है मिसिंग भी नहीं होता और हम स्टोरी भी चल रही है पचास किस्तें हो गई हैं वो भी सिर्फ डेढ़ महीने में और क्या चाहिए आप लोगों को हैर आप लोगों को तो पूरा पूरा नावल चाहिए वो तो मुझे पता ही है लेकिन लेकिन आएगा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आप सब्र करो जितना मैं लिख सकती हूँ उतना तो मैं लिखती हूँ तो इन मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में आज की तरह कल भी एपिसोड धमाकेदार होगी कल भी आपको कुछ ना कुछ पास्ट प्रेजेंट से जानने को मिलेगा तो नावल आपको कैसा लग रहा है यार इस वीडियो को लाइक करके बताया करो ये जो बटन होता है ना थम्सअप का इसको टच कर दिया करो उल्टे वाले को नहीं सीधे वाले को और जो सी उल्टा वाला टच करते हैं उनको मैं बता दूँ मुझे पता है कौन कौन करता है तो ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पता नहीं चलता हमें सब पता चलता है हम भी कोई आँखों पर गूगल्स लगा कर नहीं बैठे हुए ओके तो आप लोगों ने लाइक करना है कमेंट करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और रिव्यू देना है रिव्यू देने के बाद आप लोग जो मर्जी करो पर करो प्लीज़ इस वीडियो को तोड़ फोड़ दो लेकिन करो तो सब्सक्राइब लाजमी करना मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ तब तक के लिए इजाज़त अल्लाफ़